शिशुपाल बोला, माधव तुम वेदों, वेदांगों, देवताओं, असुरों और प्राकृत देवधारियों के जनक हो। तुम सूक्ष्म सृष्टि का विधान करके उसमें कल्प भेद करते हो। तुम ही माया से स्वयं ब्रह्मा, शंकर और शेष बने हो। मुनि, मनु, वेद और सृष्टि पालकों के समुदाय तुम्हारे कलांश से ही तथा देखपाल और ग्रह आदि कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम स्वयं ही पुरुष, स्वयं स्त्री, स्वयं नपुंसक और स्वयं कार्य और कारण तथा जन्म लेने वालों के जनक हो। यंत्र के गुण दोष यंत्री पर भी आरोपित होते हैं, ऐसा श्रुति में सुना गया है। अतः ये सभी प्राणी यंत्र हैं और तुम यंत्री हो। सब कुछ तुम में ही प्रतिष्ठित है। जगत गुरु, मैं तुम्हारा दुर्बुद्धि एवं मूढ़ द्वारपाल हूँ। अतः मेरा अपराध क्षमा करो और ब्रह्म पास से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। यूं कहकर जय और विजय, शिशुपाल और दंतवक्र चल पड़े और शीघ्र ही आनंद पूर्वक वे दोनों वैकुंठ के अभिष्ट द्वार पर जा पहुँचे। शिशुपाल के इस स्तवन से वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन लोगों ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमेश्वर माना। तत्पश्चात राजसूय यज्ञ पूर्ण कराकर ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, कौरव और पांडवों में भेद उत्पन्न करके युद्ध कराया। इस प्रकार कृपालु भगवान ने पृथ्वी का भार हल्का किया। पुनः द्वारका में जाकर चिरकाल तक निवास किया और राजा उग्रसेन की आज्ञा से मृतवत्सा ब्राह्मणी के पुत्रों को जीवन दान दिया। उन्होंने उन पुत्रों को मृतक स्थान से लाकर उनकी माता को समर्पित कर दिया। ये देख देवकी को परम संतोष हुआ। उन्होंने भी अपने मरे हुए पुत्रों को लाने की याचना की। तब श्री कृष्ण ने अपने सहोदर भाइयों को मृतक स्थान से लाकर माता को सौंप दिया। तदनंतर जो अपने घर से शरणार्थी होकर द्वारका में आए थे, उन सुदामा ब्राह्मण की दरिद्रता को तत्काल ही दूर कर दिया। भक्त वत्सल भगवान ने भक्त के चिवड़ों की कनिका स्वयं भोग लगाकर उन्हें 7 पीढ़ी तक स्थिर रहने वाली राजलक्ष्मी प्रदान की। जैसे इंद्र अमरावती में राज्य करते हैं, उसी प्रकार उनका भूतल पर राज्य हो गया। वे ऐसे धनाढ्य हो गए मानो धन के स्वामी कुबेर ही हों। तत्पश्चात उन्होंने सुधामा को निश्चल हरि भक्ति, अपनी परम दुर्लभ दास्ता और अविनाशी गोलोक में यथेष्ट उत्तम पद प्रदान किया। मुने फिर पारिजात हरण के साथ साथ उन्होंने इंद्र के गर्व को दूर किया, सत्यभामा से मनोवांछित पुण्यक व्रत का अनुष्ठान कराया और सर्वत्र नित्य नैमित्तिक कर्मों की उन्नति की। उस व्रत में अपने आप को महर्षि सनत कुमार के प्रति दक्षिणा रूप में समर्पित कर दिया। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करके उन्हें हर्षपूर्वक रत्नों की दक्षिणा दी। इस प्रकार सत्यभामा के उत्कृष्ट मान का सब ओर विस्तार किया। मुने रुक्मिणी तथा अन्यान्य रानियों के नए नए सौभाग्य को, वैष्णव देवताओं और ब्राह्मणों के पूजन को तथा नित्य नैमित्तिक कार्यों को सर्वत्र बढ़ाया। उन प्रभु ने उद्धव को परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। रण के अवसर पर अर्जुन को गीता सुनाई। कृपालु प्रभु ने कृपा परवश हो पृथ्वी को निष्कंटक करके युधिष्ठिर को राजलक्ष्मी प्रदान की। दुर्गा को वैष्णवी ग्राम देवता के स्थान पर नियुक्त किया। रमणीय रेवतक पर्वत पर अमूल्य रत्न निर्मित मंदिर में पार्वती की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के नैवेद्यों और मनोहर धूप दीपों द्वारा करोड़ों हवन से युक्त शुभ यज्ञ करवाया। उसमें बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, परमेश्वर गणेश का पूजन किया। उस समय उन्हें नैवेद्य रूप में अत्यंत स्वादिष्ट परम तुष्टिकारक तिलों के 5 लाख लड्डू, स्वस्तिकाकार अमृत तोपम, 7 लाख मोदक, शक्कर की सैकड़ों राशियां, पके हुए केले के फल, 10 लाख पुए मिष्ठान, मनोहर स्वादिष्ट खीर, पूरी, कचौड़ी, घी, माखन, दही और अमृत तुल्य दूध निवेदित किया गया। फिर धूप दीप, पारिजात पुष्पों की माला, सुगंधित चंदन गंध और अग्निशुद्ध वस्त्र प्रदान किए गए। करोड़ों हवनों से युक्त शुभ यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को जिमाया और गणेश्वर का स्तवन किया। उस समय 10 प्रकार के बाजे बजवाए। सांब ने कुष्ठ रोग के विनाश के लिए पूरे वर्ष भर तक अनुपम उपहारों द्वारा सूर्य का पूजन किया। उस समय माता सहित सांब को हविष्यान्न का भोजन कराया गया। तब स्वयं सूर्य देव ने प्रकट होकर सांब को वरदान दिया और अपना स्तोत्र प्रदान किया। अनिरुद्ध और उषा का पृथक पृथक स्वप्न में दर्शन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का अपहरण, अंतपुर में अनिरुद्ध और उषा का गांधर्व विवाह। श्री नारायण कहते हैं, नारद प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे। उनके पुत्र अनिरुद्ध थे जो विधाता के अंश से उत्पन्न हुए थे। अनिरुद्ध एक दिन निर्जन स्थान में पुष्प और चंदन चर्चित पलंग पर सोए हुए थे।
उन्होंने स्वप्न में खिले हुए पुष्पों के उद्यान में सुगंधी कुसुम सैया पर सोई हुई एक अनन्य सुंदरी नवयुवती रमणी को मधुर मधुर मुस्कुराते हुए देखा। तब अनिरुद्ध ने, मैं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण का पौत्र तथा कंतर्प का पुत्र हूँ, यूं अपना परिचय देते हुए उस तरुणी से पति रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस पर उस तरुणी ने यथाविधि विवाहिता यज्ञ पत्नी अर्थात अग्नि की साक्षी में जिससे विधिवत विवाह किया जाता है और काम वृत्ति को चरितार्थ करने के लिए स्वीकृत नैमित्तिक पत्नी का शुभाशुभ भेद बतलाते हुए कहा, मैं बाणासुर की कन्या हूँ, मेरा नाम उषा है। त्रैलोक के विजयी बाण शंकर जी के किंकर हैं और शंकर लोकों के स्वामी हैं। नारी तीनों कालों में पराधीन रहती है, वो कभी स्वतंत्र नहीं होती। जो नारी स्वतंत्र नहीं होती वो नीच कुल में उत्पन्न हुई पुंजली होती है। पिता ही कन्या को योग्य वर के हाथ सौंपता है, कन्या वर की याचना नहीं करती, यही सनातन धर्म है। प्रभु, तुम मेरे योग्य हो और मैं तुम्हारे योग्य हूँ, अतः तुम मुझे पाना चाहते हो तो बाणासुर शंभु अथवा सती पार्वती से मेरे लिए प्रार्थना करो। यूं कहकर वो सती साध्वी सुंदरी अंतर्ध्यान हो गई। मुने, तब काम के वशीभूत हुए कामात्मज अनिरुद्ध की नींद सहसा टूट गई। जागने पर उन्हें स्वप्न का ज्ञान हुआ, उस पर उनका अंतःकरण काम से व्यतीत था और वे अपनी उस प्राणवल्लभा को न देखकर व्याकुल और अशांत हो रहे थे। इस प्रकार पुत्र को उद्विग्न तथा विकल देखकर सती देवकी रुक्मिणी तथा अन्यान्य सभी महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया। मधुसूदन श्री कृष्ण तो परिपूर्णतम तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता ही ठहरे। वे उनकी बात सुनकर ठठाकर हंस पड़े और बोले, श्री भगवान ने कहा, महिलाओं, भगवती दुर्गा ने बाणासुर की कन्या का शीघ्र विवाह हो इसके लिए अनिरुद्ध को स्वप्न में उसे दिखाया है। अब मैं बाण कन्या उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन कराता हूँ। तुम लोग अनिरुद्ध के लिए कोई चिंता न करो। तदनंतर श्री कृष्ण ने स्वप्न में उषा को सर्वांग सुंदर कोटि कोटि कंदर्प दर्पहारी अनिरुद्ध के दर्शन कराए। स्वप्न टूटते ही उषा अत्यंत व्याकुल हो गई। उसकी अन्य मनस्कता और विक्षणता देखकर सखी चित्रलेखा ने कहा, कल्याणी, चेत करो, तुम्हारा ये नगर दुर्लक्ष्य है, इसमें साक्षात शंभु और शिवा वास करती हैं। अब भला तुम्हें ये भयंकर भय कहाँ से उत्पन्न हो गया? सखी, शिव ही मंगलों के वास स्थान है, अतः उनका स्मरण मात्र कर लेने से सारे अभिष्ट दूर हो जाते हैं और सर्व मंगल ही होता है। दुर्गा तिनाशिनी दुर्गा का ध्यान करने से सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं, वे सर्व मंगल मंगला हैं, अतः ध्यानकर्ता को मंगल प्रदान करती है। चित्रलेखा का कथन सुनकर सती उषा फूट फूट कर रोने लगी और बाण शंकर के निकट ही निषाद करते हुए मूर्छित हो गए। ये देखकर शंकर, दुर्गा, कार्तिकेय और गणेश हंसने लगे। तब गणेश्वर बोले, स्वयं देवी पार्वती ने जाकर स्वप्न में कामदेव नंदन अनिरुद्ध को कामपत्त बनाया है और इस समय ये शंभु के वाम पार्श्व में मूक बनी बैठी है। भगवान श्री हरि तो सर्वज्ञ है ही, उन ईश्वर ने सारा रहस्य जानकर बाण कन्या उषा को स्वप्न में सुंदर वेशधारी पुरुष का दर्शन कराया है। अतः अब सुयोगिनी चित्रलेखा खेल ही खेल में प्रमक्त अनिरुद्ध को लाने के लिए ही शीघ्र द्वारकापुरी को प्रस्थान करें। ऐसा सुनकर महादेव जी ने गणेश से कहा, बेटा, जिस प्रकार यह शुभ कार्य बाण श्रवण गोचर न हो वैसा ही प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए। इधर चित्रलेखा तुरंत ही द्वारका को चल पड़ी। श्री हरि का यह भवन यद्यपि सबके लिए दुर्लक्ष्य था, तथापि वह अनायास ही वहाँ प्रवेश कर गई। वहाँ अनिरुद्ध नींद में सो रहे थे। उनके योग बल से हर्ष पूर्वक उस नींद में मते हुए बालक को उठाकर रथ पर बिठा लिया। मुने, भद्रा चित्रलेखा मन के समान वेगशालिनी थी। वो उस बालक को लेकर शंख ध्वनि करके दो ही घड़ी में शोणितपुर जा पहुंची। तदनंतर अनिरुद्ध को न देखकर श्री कृष्ण के महलों में उदासी छा गई। तब सर्व तत्ववेता सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने सबको आश्वासन देकर शोणितपुर को सेना सहित प्रयाण किया। इधर महर्षि दुर्वासा की शिष्या योगिनी चित्रलेखा ने, जो नारियों में धन्या, पुण्या, मान्या, शांता और योग सिद्ध होने के कारण सिद्ध दायनी थी, माता का स्मरण करके रोते हुए उस बालक को समझाया, फिर स्नान कराकर उसे पुष्पमाला और चंदन से विभूषित किया। उस प्रकार उस बालक का सुंदर वेश बनाकर वो कन्या के अंतःपुर में, जो रक्षकों द्वारा सुरक्षित था, योग बल से प्रविष्ट हुई। वहां आहार का परित्याग कर देने से जिसका उदर सट गया था और जिसे सखियां चारों ओर से घेरे हुए थी, उस
उषा को सुरक्षित देखकर शीघ्र ही उसे जगाया। उस समय उषा को भली भांति स्नान कराया गया। वस्त्र, माला, चंदन तथा मांगलिक सिंदूर पत्रों द्वारा उसका श्रृंगार किया गया। फिर महेंद्र नामक शुभ मुहूर्त आने पर उसने सखियों की गोष्ठी में उन दोनों का परस्पर वार्तालाप कराया। पति को देखकर पतिव्रता उषा का कष्ट दूर हो गया और वो उनके साथ विहार करने लगी। तब प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने गांधर्व विवाह की विधि से उसका पाणी ग्रहण किया। विप्रवर, इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गए तब रक्षक द्वारा राजा बाणासुर को यह समाचार सुनने को मिला। कन्या की दुशीलता का समाचार पाकर बाण का युद्ध के लिए उद्यत होना, शिव, पार्वती, गणेश, स्कंद और कोटरी का उसे रोकना, परंतु बाण का स्कंद को सेनापति बनाकर युद्ध के लिए नगर के बाहर निकलना, उषा प्रदत्त रथ पर सवार होकर अनिरुद्ध का भी युद्धोद्योग करना, बाण और अनिरुद्ध का परस्पर वार्तालाप। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर अंतःपुर के रक्षकों ने भयभीत हो स्कंद, गणेश और पार्वती को दंड की भांति भूमि पर लेटकर प्रणाम किया और अपने स्वामी बाण से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर बाण को बड़ी लज्जा हुई और वह क्रुद्ध हो उठा। उस समय शंभु, गणेश, स्कंद, पार्वती, भैरवी, भद्रकाली, योगनिया, आठो भैरव, एकादश रुद्र, भूत, प्रेत, कुष्मांड, बेताल, ब्रह्म राक्षस, योगेंद्र, सिद्धेंद्र, रुद्र, चंड आदि तथा माता की भांति हितैषिणी करोड़ ग्राम देवियां, ये सभी उसके हित के लिए बराबर मना कर रहे थे, फिर भी उसने युद्ध करने का विचार निश्चय किया। तब शंकर जी अपने को पंडित मानने वाले मूर्ख बाण से हितकारक सत्य नीति शास्त्र सम्मत और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, बाण, मैं इस पुरातनी कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वयं परमेश्वर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भारतवर्ष में सभी नरेशों का संहार करके द्वारका में विराजमान हैं, जिनके रोमों में सारे विश्व वर्तमान हैं, उन वासु के भी वे ईश्वर हैं, इसलिए विद्वान लोग उन्हें वासुदेव ऐसा कहते हैं। स्वयं भगवान चक्रपाणि भूतल पर ब्रह्मा के भी विधाता हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के स्वामी हैं। प्रकृति से परे निर्गुण इच्छा रहित भक्तानुग्रह मूर्ति परम ब्रह्म परम धाम और देवधारियों के परमात्मा हैं, जिनके शरीर से निकल जाने पर जीव शवतुल्य हो जाता है। उनके साथ तुम्हारा संग्राम कैसे हो सकता है? अनिरुद्ध उन्हीं के पौत्र हैं। वे महान बल पराक्रम से संपन्न हैं और क्षण भर में अकेले ही तीनों लोकों का संहार करने में समर्थ हैं। जितने महारथी बलवान देवता और दैत्य हैं, वे सभी अनिरुद्ध की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं है। जिन दो व्यक्तियों में समान धन हो और जिनमें बल की भी समानता हो, उन्हीं दोनों में विवाह और मैत्री शोभा देती है। बलवान और निर्बल का संबंध उचित नहीं होता। तुम्हारे पिता महारथी बलि दैत्यों के सारभूत और श्रीहरि की कला थे। उन्हें भी जिसने क्षण भर में ही सूतल लोक को भेज दिया, उन्हीं वृंदावनेश्वर परम पुरुष परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण के सभी जीव अंश कलाएं हैं। पार्वती जी बोली, बाण, ब्रह्मा, महेश, शेष और ध्याननिष्ठ भक्त रात दिन अपने हृदय कमल में उन सनातन भगवान का ध्यान करते रहते हैं। सूर्य, गणेश और योगिंद्रों के गुरु शिव उन ऐश्वर्यशाली सनातन परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। सनत कुमार, कपिल, नर और नारायण अपने हृदय कमल में उन सनातन भगवान का ध्यान लगाते हैं। मनु, मुनिंद्र, सिद्धेंद्र और योगिंद्र ध्यान द्वारा अप्राप्य उन सनातन भगवान के ध्यान में निमग्न रहते हैं। जो सबके आदि, सबके कारण, सर्वेश्वर और परात्पर हैं, उन सनातन भगवान का सभी ज्ञानी ध्यान करते हैं। तदनंतर गणेश और स्कंद ने भी बाण को श्री कृष्ण की महिमा भली भांति समझाकर युद्ध न करके अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह कर देने के लिए अनुरोध किया। अंत में कोटरी बोली, वत्, धर्मानुसार मैं ही तुम्हारी माता हूँ, अतः जो कुछ कहती हूँ उसे श्रवण करो। दुष्ट पुत्र से भी माता पिता को पद पद पर दुख होता ही है। दूसरों के द्वारा ग्रहण की गई वो कन्या उषा अब दूसरे को देने के योग्य नहीं है। अतः जो श्री कृष्ण के पौत्र और पद्युम्न के पुत्र हैं, उन महान बलशाली अनिरुद्ध को स्वेच्छानुसार अपनी कन्या का दान कर दो। इससे तुम भारत वर्ष में अपनी सात पीढ़ियों के साथ पावन हो जाओगे। फिर भूतल पर महान यश की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दहेज में समर्पित कर दो, अन्यथा माधव युद्ध स्थल में सुदर्शन चक्र द्वारा तुम्हारा वध कर डालेंगे। उस समय कौन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? मुने, कोटरी की बात सुनकर अभिमानी दैत्य श्रेष्ठ बाण कुपित हो उठा। वो रथ पर आरूढ़ हो
उस स्थान के लिए प्रस्थित हुआ जहाँ श्री हरि के पौत्र अनिरुद्ध वर्तमान थे। उस समय भक्तवत्सल शंकर की आज्ञा से स्कंद सेनापति होकर उसके साथ चले। स्वयं शिव और गणेश ने बाण के लिए स्वस्ति वाचन किया। पार्वती तथा कोटरी ने उसे शुभ आशीर्वाद दिया। आठों भैरव और एकादश रुद्र ये सभी हाथों में शस्त्र धारण करके युद्ध के लिए तैयार हुए। इसी बीच एक दूत ने, जिसे पार्वती देवी तथा बाण पत्नी ने भेजा था, तुरंत ही जाकर अनिरुद्ध को भी ये समाचार सूचित कर दिया। दूत बोला, अनिरुद्ध उठो और पार्वती का ये मंगल वचन श्रवण करो। वत्स, कवच धारण करो और बाहर निकलकर युद्ध करो। ये सुनकर उषा भयभीत हो गई। वो डर के मारे रोती हुई सती पार्वती का ध्यान करके बोली, महामाए मेरे मनोनीत प्राणेश्वर की रक्षा करो, रक्षा करो। यद्यपि ये निर्भय हैं, तथापि इस महाभयंकर संग्राम में इन्हें अभयदान दो। तुम ही जगत की माता हो, अतः तुम्हारा सब पर समान स्नेह है। तत्पश्चात ऐश्वर्यशाली अनिरुद्ध ने कवच पहनकर हाथ में शस्त्र धारण किए और उषा द्वारा दिए गए रथ को पाकर वे उस पर हर्ष पूर्वक आरूढ़ हुए। शिविर से बाहर आकर उन्होंने बाण को देखा, जो कवच पहनकर हाथों में शस्त्र धारण किए हुए था। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। अनिरुद्ध को देखकर बाण क्रोध से भर गया। वो उस घोर संग्राम के मध्य प्रज्वलित होता हुआ विषोक्तियां उगलने लगा। उसने भांति भांति से श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करके उनकी निंदा की और अनिरुद्ध ने उसका विवेकपूर्ण खंडन करके श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। बाण और अनिरुद्ध के संवाद प्रसंग में अनिरुद्ध द्वारा द्रौपदी के 5 पति होने का वर्णन, बाण सेनापति सुभद्र का अनिरुद्ध के साथ युद्ध और अनिरुद्ध द्वारा उसका वध। बाण ने कहा, अनिरुद्ध तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारा कथन सत्य ही है, शंभु ने भी ऐसा ही बतलाया था। अब तुमने जो ये कहा है कि महाभागा द्रौपदी शंकर जी के वरदान से 5 पतियों की प्रिया थी, वो वृतांत विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन करो। साथ ही ये भी बतलाओ कि पहले शंबर ने तुम्हारी माता रति का किस प्रकार से अपहरण किया था, उसने देवताओं को पराजित कैसे किया था और देवगणों ने किस तरह रति को उसे प्रदान किया था। अनिरुद्ध बोले, बाण एक समय की बात है, पंचवटी में श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ सरोवर में स्नान करके उसके रमणीय तट पर बैठे हुए थे। उस समय हेमंत का समय था, अतः उन्होंने सीता से कहा, प्रिय इस समय अत्यंत स्वादिष्ट निर्मल जल, अन्न मनोहर व्यंजन तथा सारी वस्तुएं अत्यंत शीतल हैं। यूं कहकर उन्होंने फल संग्रह किया और हर्ष पूर्वक उन्हें सीता को प्रदान किया। तत्पश्चात लक्ष्मण को देकर पीछे स्वयं प्रभु ने भोग लगाया। लक्ष्मण ने वो फल और जल तो ले लिया, परंतु खाया नहीं, क्योंकि वे सीता का उद्धार करने के लिए मेघनाथ का वध करना चाहते थे, जो 14 वर्ष तक न तो नींद लेगा और न ही भोजन करेगा, वही योगी पुरुष उस रावण कुमार मेघनाथ को मार सकेगा। इसी बीच कमल लोचन राम का दर्शन करने के लिए कृपानिधि अग्नि ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आए और कर्ण कटु भविष्य वचन कहने लगे। अग्निदेव बोले, महाभाग राम मेरी बात सुनो और सीता की भली भांति रक्षा करो, क्योंकि प्राक्तन कर्मवेश दुर्निवार्य एवं दुष्ट राक्षस रावण 7 दिन के भीतर ही जानकी को हर के ले जाएगा। भला विधाता ने जिस प्राक्तन कर्म को लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। चारों देवताओं ने भी यही कहा है कि देव से बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। तब श्री राम ने कहा, अग्निदेव तब तो सीता को आप अपने साथ ले जाइए और उसकी छाया यही रहेगी, क्योंकि पत्नी के बिना किया हुआ कर्म सभी के लिए निंदित होता है। तब अग्निदेव रोती हुई सीता को साथ लेकर चले गए और सीता के सदृश जो छाया थी वो राम के सन्निकट रहने लगी। पूर्व काल में रावण ने खेल ही खेल में उसी छाया का हरण किया था और श्री राम ने भाई बंधुओं सहित उस रावण का वध करके उस छाया का ही उद्धार किया था। अग्नि परीक्षा के अवसर पर जो छाया अग्नि में प्रविष्ट हुई थी उस छाया को अपने संरक्षण में रखकर अग्नि ने राम को असली जानकी लौटा दी। तब श्री राम जानकी को लेकर हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को चले गए और छाया दुखित हृदय से अग्नि के पास रहने लगी। वही छाया नारायण सरोवर में जाकर तप करने लगी। उसने 100 दिव्य वर्षों तक शंकर जी के लिए घोर तपस्या की। तब शंकर जी प्रकट होकर उससे बोले, भद्रे वर मांग। वो पति के दुख से दुखी थी, अतः व्यग्रता पूर्वक शिव जी से बोली। उसने उस व्यग्रता में ही त्रिनेत्रधारी शिव जी से पति दे ही यो 5 बार वर मांगा।
तब संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता शिव प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए बोले, श्री महादेव जी ने कहा, साध्वी तुमने व्याकुल होकर पति दे ही पति दीजिए यूं 5 बार कहा है, अतः श्री हरि के अंशभूत 5 इंद्र तुम्हारे पति होंगे। वे ही सभी 5ों इंद्र इस समय 5 पांडव हुए हैं और वो छाया द्रौपदी रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। यही छाया कृत युग में वेदवती, त्रेता में जनक नंदिनी और द्वापर में द्रौपदी हुई, इसी कारण वह त्रिहायणी कृष्णा कहलाती है। ये वैष्णवी तथा श्री कृष्ण की भक्त है, इसलिए भी कृष्णा कही जाती है। वहीं पीछे चलकर महेंद्रों की स्वर्ग लक्ष्मी होगी। राजा द्रुपद ने कन्या के स्वयंवर में उसे अर्जुन को दिया। वीरवर अर्जुन ने माता से पूछा, माँ इस समय मुझे एक वस्तु मिली है। तब माता ने अर्जुन से कहा, उसे सभी भाइयों के साथ बांटकर ग्रहण करो। इस प्रकार पहले शंभु का वरदान था ही, पीछे माता कुंती की भी आज्ञा हो गई। इसी कारण 5ों पांडव द्रौपदी के पति हुए। ये 5ों पांडव 14 इंद्रों में से 5 इंद्र हैं। माता द्वारा भत्सरना किए जाने पर शंकर जी ने मेरी माता रति को शाप देते हुए कहा, रति तुम्हारा पति शंकर की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस समय तुम शापित होकर दैत्य के अधीन हो जाओगी। शंबरासुर इंद्र सहित देवताओं को जीतकर तुम्हें हर ले जाएगा। यूं कहकर उन्होंने पुनः वरदान भी दिया, तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं होगा। जब तक तुम्हारा पति जीवित नहीं हो जाता तब तक तुम शंबरासुर को अपनी छाया देकर उसके घर में वास करो। दैत्येंद्र, इस प्रकार मैंने तुमसे सारा वृतांत, सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया। अब देवों के गुप्त चरित्र को श्रवण करो। इसी समय बाण का प्रधान सेनापति महाबली सुभद्र ने, जो कुंभांड का भाई, बल संपन्न और महारथी था, शैल्यों से लैस होकर समर भूमि में बाण की निर्भत्सना करके श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध पर प्रलयाग्नि की भांति चमकीला त्रिशूल चलाया, परंतु प्रद्युम्न कुमार ने एक अर्धचंद्र द्वारा उस शूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब सुभद्र ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली शक्ति फेंकी। अनिरुद्ध ने वैष्णव वास्त्र द्वारा उस शक्ति को भी काट गिराया। फिर तो घोर संग्राम आरंभ हो गया। अनिरुद्ध ने सुभद्र को मार गिराया। तदनंतर बाण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अब अनिरुद्ध बाणासुर का वध करने को उद्वत हुए, तब कार्तिकेय ने उसे बचा लिया। फिर कार्तिकेय के साथ उनका महान संग्राम हुआ।